जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थं कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी भक्तवांक्षा कल्पतरु नंदनंदन बालकृष्ण महाप्रभु की प्रतवांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद भागवत महापुराण भगवत चरण कमलानुरागी बंधु श्रद्धामय माता हो परम पिता परमात्मा के अनंत उपकार के फल स्वरूप भूत भावन भगवान शंकर के अनुग्रह के फल स्वरूप एवं सैमरी ग्राम के बाल कमेटी के अखत परिश्रम के फल स्वरूप आज हम समस्त श्रद्धालु श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश पा रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में आप सभी श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से अजामिल का चरित्र सुना और भगवान के नाम की महिमा को जाना। अजामिल ने धोखे में ही सही अपने बेटा नारायण को बुलाया और उसका उद्धार हो गया। ये नाम की महिमा नहीं है, नामाभास की महिमा है। धोखे में भगवान का नाम अजामिल के मुख से निकल गया, परिणाम क्या हुआ? उसका उद्धार हो गया। और हृदय से जो भगवान का नाम लेंगे उनका तो कल्याण होना ही होना है। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज बार बार आप भगवान को समदर्शी नाम से संबोधित करते हैं और जितनी भी कथा अभी तक आपने सुनाई है उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, तो इसमें भगवान की समदर्शता कहां हुई? ये तो सरियासर पक्षपात है कि नहीं? अरे काम तो करते हैं पक्षपात का और नाम रख रखा है समदर्शी। समानता का काम करें तो समदर्शी नाम सार्थक हो गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज। राजन बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है आपने। भगवान का एक संकल्प है, ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तस्यैव भजाम्यहम् हम। भगवान कहते हैं जो भक्त जिस रूप में मुझे भजता है उस रूप में मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं। एक बार दुष्टों ने कहा, प्रभु यदि हम ना होते तो आप भी ना होते। भगवान बोले क्यों? क्योंकि हम दुष्टता ना करते तो आप अवतार लेके आते ही काहे को?
भगवान बोले बात तो ठीक है, तो क्या चाहते हो? बोले हमें भी कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। भगवान बोले करो हमारा भजन। दुष्ट बोले भजन ही करने लगे तो फिर दुष्ट ही काय। अच्छा तो क्या कर सकते हो? बोले भजन तो आपका नहीं कर सकते हैं, पर आपको गालियां खूब दे सकते हैं। भगवान बोले गालियां ही दो। देखो एक बात निवेदन करें आपसे, संबंध कुछ भी हो पर होना परमात्मा से चाहिए। भगवान कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। नाता तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह नाता वह संबंध भगवान से जोड़ लो। भगवान के बेटा बन जाओ, भगवान को अपना पिताजी बना लो। और बेटे नहीं बन सकते हो तो भगवान के पिताजी बन जाओ, भगवान को बेटा बना लो। जगन्नाथपुरी में एक बूढ़ी मैया रहती थी, तो वो भगवान को अपना बेटा मानती थी और बहुत स्नेह भगवान से करती थी। सवेरे सवेरे जागती और जागने के साथ ही चूल्हे पर खिचड़ी बनाने के लिए चढ़ा देती थी। मेरा लाला जागेगा, जागते ही उसको भूख लगेगी तो कुछ पवाना तो चाहिए। और मैंने पहले ही निवेदन किया है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, पदार्थों के भूखे नहीं मेरे गोविंद। खिचड़ी जैसे ही बना के वो तैयार करती कि मेरे गोविंद तुरंत प्रकट हो जाते। और बूढ़ी मैया के हाथों के द्वारा बनाई हुई खिचड़ी को पाने में मेरे गोविंद को बड़ा स्वाद आता है, बड़े चाव से बड़े भाव से प्रभु पाते। अब एक दिन क्या हुआ, जरा शांति से कथा सुनिए। बूढ़ी मैया तो बगैर नहाए धोए सवेरे सवेरे ही खिचड़ी बनाती। एक दिन एक सन्यासी महात्मा आए तो क्या देखा, बड़े सवेरे मैया खिचड़ी बना रही। अरे माँ ये इतने सवेरे से खिचड़ी किसको बनाती? बुढ़िया बोली महाराज वो हमारो लाला रहे ना यहाँ, तो बाकू सवेरे सवेरे ही भूख लग जाए, या तो सबसे पहले जाग के मैं खिचड़ी बना दूं, बाकू मेरे हाथ की खिचड़ी बड़ी पसंद है। सन्यासी महात्मा बोले मैया तू भगवान को बगैर नहाए धोए बना के खिचड़ी पवावे, अरे नरक में जाएगी। अच्छो महाराज तो कैसे पवानो चाहिए? अरे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और शुद्धता पवित्रता से फिर प्रसाद बना के गोविंद को पवाना चाहिए। तो आज सवेरे सवेरे मैया जागी तो पहले स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, फिर खिचड़ी बनाई। और खिचड़ी बना करके थाल परोस के भगवान का आवाहन किया तो भगवान प्रकट हो गए। अब थोड़ा विलंब हो गया तो भगवान जल्दी कहते मां जल्दी कर जल्दी कर मां। तो जल्दी जल्दी में मेरे गोविंद पाते रहे खिचड़ी, और पाते पाते में ही फटाफट भगवान ने खिचड़ी पाई और दौड़ लगाई मंदिर की ओर। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे कि उधर पुजारी जी ने घंटी बजा दी पर्दा खोलने के लिए, और जैसे ही पुजारी ने पर्दा खोला तो क्या देखा, भगवान के मुख में, जगन्नाथ भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी, कहीं हाथ में खिचड़ी लगी। तो पहले तो भगवान पुजारियों से बात करते थे, पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु सच्ची बताओ, रात्रि में मैंने आपको शयन कराया और अभी अभी मैं आपका पर्दा खोल रहा हूं, अभी प्रसाद तो कुछ पवाया नहीं, फिर ये खिचड़ी कहां से पाया? तब भगवान कहते हैं पुजारी जी इसी जगन्नाथपुरी में मेरी एक बूढ़ी मैया रहती है और उसके हाथों की बनाई हुई खिचड़ी मुझे बड़ी स्वादिष्ट लगती है,
वैसे तो प्रतिदिन वो बगैर नहाए धोई सवेरे सवेरे खिचड़ी मुझे पवा देती थी, पर कल एक सन्यासी महात्मा उनको नियम बता गए, तो आज खिचड़ी बनाने में थोड़ा विलंब हो गया उसको, इसलिए मुझे भी विलंब हो गया यहां आने में। और भगवान ने कहा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, इसलिए उसका नाम पड़ा कर्माबाई। कर्माबाई का खिचड़ा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भगवान कहते हैं पुजारी जी आप उन महात्मा को समझा देना, कहना कि उस बूढ़ी मैया के बगैर नहाए धोए बनाने वाली खिचड़ी में ही मुझे स्वाद आता है। तब पुजारी जी के माध्यम से उस मैया को पुनः सूचना दिलवाई भगवान ने। महात्मा पहुंचे और बोले मैया मैंने कर्मकांड की पुस्तक को पढ़ा तो जो नियम मैंने तुम्हें बताया है वो तो सन्यासियों के नियम है, आप तो जैसे खिचड़ी भगवान को पवा रही थी वैसे ही पवाओ। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान कहते तुहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावा, जो नाता तुम्हें पसंद होवे वो संबंध भगवान से जोड़ लो। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित भगवान यदि समदर्शी ना होते तो दैत्य जात में उत्पन्न प्रहलाद के ऊपर कृपा मेरे गोविंद कैसे करते। परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज तो प्रहलाद जी के ऊपर कृपा भगवान ने कैसे करी, सो कृपा करके बतावे। तब श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन भगवान ने जब वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध कर दिया उसी समय से इसका भाई हिरण्यकश्यपु श्री हरि नारायण का शत्रु बन गया और इसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि जब तक मैं नारायण का वध नहीं कर दूंगा तब तक शांति के साथ मैं बैठ नहीं सकता। पर नारायण का वध करने के लिए कुछ शक्ति तो चाहिए, तो शक्ति कहां से आवे। तब याद आया सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता हैं तो वो ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के भक्त भी बहुत कम हैं, इसीलिए तो ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है, केवल एक मंदिर है पुष्कर में। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी को बहुत कम भक्त मिलते हैं। अच्छा भक्त भी बड़े कुछ बदमाश किस्म के होते हैं। एक बार एक भक्त ने ब्रह्मा जी की उपासना करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो भाई क्या चाहे थे, तुम एक नहीं तीन वरदान मांग लो। पर भक्त बड़ा होशियार था, हाथ जोड़ के कहता है ब्रह्मा बाबा तो पहला वरदान तो ये दे दो कि हमारा सुंदर सा विवाह हो जाए, तथास्तु भैया। दूसरा वरदान ये दे दो कि सुंदर सा घर बन जाए, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे जब तीन वरदान फिर से मांगे। ब्रह्मा जी की तो खोपड़ी चक्कर खा गई है, तो ज्यादा ही होशियार। घर गया तो पानी बरसने लगा, मन में विचार किया ब्रह्मा जी के वरदान कब काम आए। हे ब्रह्मा बाबा हाँ भैया पहला वरदान दो पानी बंद हो जाए तथास्तु, दूसरा वरदान दो मेरे घर में पानी कभी बरसे ही नहीं तथास्तु, और तीसरा वरदान दो कि जब चाहे जब तीन फिर से मांगे। अब तो नाक पे मक्खी भी बैठती है तो ब्रह्मा जी को बुलाता है, हे ब्रह्मा हाँ भैया पहला वरदान दो मक्खी भाग जाए तथास्तु, दूसरा वरदान दो मेरी नाक पे मक्खी कभी बैठी, और तीसरा वरदान दो कि जब चाहे जब तीन फिर से मांगे। अब तो परेशान हो गए ब्रह्मा जी। तब भगवान को याद करने लगे प्रभु अब इस दुष्ट के चुंगल से आप ही बचा सकते हैं क्योंकि आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता कि अब कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, अब कोई ना सहारा बिन तेरे।